नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। गो तस्करी के आरोप में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद मुजफ्फर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फर कौड़ीहाट ब्लॉक के प्रमुख हैं और उसकी गिरफ्तारी के विरोध में बीडीसी के सदस्यों ने बमरौली पुलिस चौकी का घेराव कर हंगामा कर दिया। खबर यह है कि मुजफ्फर के खिलाफ अलग अलग जिलों में 34 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सबसे ज्यादा गो तस्करी के मामले हैं। शनिवार रात को बमरौली इलाके में मुजफ्फर के मकान की घेराबंदी करते हुए पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धारा सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा सिंह, एसपी ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोप काफी गंभीर है, और क्या ज्यादा जानकारी? ब्लॉक प्रमुख है मोहम्मद मुजफ्फर, जो कि कोहियार ब्लॉक तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है धारा सिंह से। दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर प्रयागराज से, इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी ब्लॉक प्रमुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद मुजफ्फर जिसे गिरफ्तार किया है, कई बीडीसी के सदस्य भी और थाने में पहुंच गए थे, समर्थक भी थाने में पहुंचे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए धारा सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ। धारा, आप जानकारी दे रखे थे एसपी ब्लॉक प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर। मामले पशु तस्करी से जुड़े हुए पूर्व, तो ऑडियो क्लियर नहीं है, आवाज नहीं मिल पा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। पशु तस्करी के मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने 234 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। एनटीपीसी और नगर निगम के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के प्लांट की स्थापना के जरिए एमओयू साइन किया गया। सहजनवा के सुधनी 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला चारकोल प्लांट लगाया जाएगा। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं इस कार्यक्रम के दौरान की, जहां पर अन्नप्राशन भी कराया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे से बच्चे को। 234 करोड़ की सौगात गोरखपुर वासियों को दी है। माननीय विधायक गण से सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कम आम के आम और गुठली के दाम, आपको कूड़ा प्रबंधन के कार्य के लिए अपने खर्चे से जो प्लांट लगाते और उसको चलाने में जो खर्चा आता, उससे आपकी बचत हो गई। आपको केवल कूड़ा का कलेक्शन करना है और उसको वहां तक पहुंचाने में मदद करना है, बाकी प्लांट चलाने की जिम्मेदारी एनटीपीसी की, वहां के सारे खर्चे की व्यवस्था एनटीपीसी की, केवल एनटीपीसी को उस प्लांट को चलाने के लिए 500 टन कूड़ा प्रतिदिन चाहिए। बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपने समाज को एससी में शामिल करने के लिए यात्रा उन्होंने निकाली है। न्यूज 18 से संजय निषाद ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और संजय निषाद ने एसपी बीएसपी से बीजेपी में आए नेताओं पर भी निशाना साधा और उनका कहना है कि दल बदल कर मलाई खाने वाले नेताओं ने निषाद समाज के साथ छल किया है। वहीं सीएम योगी और पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार में निषाद समाज की बातें सुनी जा रही हैं। संजय निषाद ने एनडीए से नाराजगी से साफ इनकार किया। हमारा संविधान में 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जात में गिनते रहे, हमारा नाम पिछड़ी में डालकर धोखा किया गया है और धोखेबाजों को पर्दाफाश करना है। हम ऑलरेडी, मैं योगी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार है कि आरजीआई से पूछा कि ये कहाँ है, अनुसूचित में है पिछड़े में, उन्होंने लिख दिया कि नहीं, इनका हमारे यहाँ मैनुअल में केवल मल्ला मझवार में गिनती हुई थी। तो आज के दिन में समाज जाने कुछ ऐसे नेता हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, जो सपा और बसपा और कांग्रेस में रहे और इनके आरक्षण को लुटवाए और
उनको बर्बाद कराए। अब कम से कम आरक्षण मोदी जी अमित शाह तक हम वकालत करके पहुंचा दिए हैं, तो समाज जाने कि मैंने क्या किया है और समाज अपनी लड़ाई के लड़ आगे है कि ये बताना जरूरी है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपने इस निषाद के आरक्षण के मुद्दे को अपने अपने घोषणा पत्र में ना रखा, लेकिन किसी ने शामिल करने के नाम पर किसी ने उलझाया और किसी ने लिखवाया। अब हमारा अंतिम लड़ाई है कि हमारा मामला अमित शाह जी माननीय मोदी तक पहुँचा और प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पहुँचा, तो हमारी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए और हमारा जो आरक्षण है लोकसभा राज्यसभा विधानसभा विधान परिषद वो हमें आरक्षण चाहिए, राजनीतिक आरक्षण चाहिए, राजनीतिक सुरक्षा चाहिए। जो हमारी जमीन हमारी जो नौकरी न कोई छीन पा, ये जो छीनने वाले धोखेबाज हैं इनका पर्दाफाश करने का। क्या लग रहा है जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं सपा बसपा में रहे हैं, क्या वो भाजपा में है आपका कहीं पे विरोध कर रहे हैं क्या, आप नाराज हैं क्या उनसे? हमारा क्या विरोध करेंगे, वो समाज का सत्यानाश कराए, हाथी में रहे उनके सामने लूटी गई वर्ग तीन वर्ग चार की जमीन पर और इनके आरक्षण को लूटा स्टे किया, बोलने की हिम्मत नहीं थी। सपा में रहे कांग्रेस में ये सब मलाई खाने वाले लोग हैं और यहाँ आकर सोचते हैं कि राजनीति में उल्टा पुल्टा वोट के समाज को गुमराह किया है। यहाँ भाजपा में आकर बीजेपी में है, ऊपर से तो लेवी लगा भाजपा में, लेकिन कहाँ कहाँ नहीं ले, वो तो कहते भाजपा ही है लेकिन उनका एक ही पेशा कि समाज जाता उनके पास किसी जमीन की सुरक्षा के लिए जाएगा तो जमीन दिखाए। ये सारे लोग उनके निषादों के एक तरीके से हैं। और एमपी की सीमा पर चंबल नदी पर सिग्नेचर ब्रिज बनेगा। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय चंबल नदी पर पुल बनाने की मंजूरी दे चुका है। करीब 300 करोड़ की लागत से ब्रिज बनाया जाएगा। उम्मीद ये है कि 3 महीने के बाद काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। पी के बीच में जो अभी हमारा पुराना पुल बना हुआ है वो बार बार वहां पे ओवरलोड ट्रक निकलने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसकी बार बार रिपेयरिंग होती है, तो कभी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए बार बार उसको रिपेयर करके चलाना मुझे लगता उचित नहीं है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने नए पुल की मांग की थी और नया पुल बनेगा तो निश्चित ही जो बार बार ये ब्रेक हो जाता है ना आवागमन, अभी जैसे बंद चल रहा है तो उसमें बहुत सुविधा मिलेगी यूपी और एमपी के लोगों को आपस में कनेक्ट। लखीमपुर खीरी में एक सभा के दौरान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। टेनी ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं, कभी कुली कभी मिस्त्री तो कभी जोकर बनकर घूमते रहते हैं। राहुल गांधी की हालत फिल्म राजा बाबू की गोविंदा की तरह है। अटैची लादे और वो बताते पहिया वाली अटैची जो कुली भी जमीन पे लेके चलते उसको वो खोपड़ पिला देता है। कभी ट्रक पे ड्राइवर बन जाता है, कभी मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाता है, कभी धान रोपने लगते हैं। एक पिक्चर नहीं आई थी राजा बाबू, देखे थे आप गोविंदा वाली? गोविंदा उसमें पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसी का झगड़ावाद में हीरोइन का होता, हमने भी देखा था पिक्चर। तो कभी वकील की फोटो खिंचवाता है, कभी डॉक्टर की खिंचवाता, नहीं खिंचवाता। ऐसे एक गाना आया था वो पिक्चर की, उसमें था कभी कुछ छलिया लगता है कभी कुछ जोकर लगता है, अरे ऐसे था ना। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की टिप्पणी पर यूपी कांग्रेस महासचिव ने पलटवार किया है। सैफ अली नकवी ने कहा, मंत्री जी पहले अपने राजा बाबू को संस्कार दें। के लिए एक मुहावरा है, चौबे चले थे छब्बे बनने, दूबे बनकर लौटे। सूरज को आईना दिखाना कृपया बंद करिए। राहुल गांधी हिंदुस्तान के हर गरीब गुरबा और किसानों की आवाज है। राहुल गांधी एक कर्मयोगी है। राहुल गांधी को राजा बाबू कहने से पहले बेहतर होगा आप अपने राजा बाबू को अच्छे संस्कार दीजिए। कृपया अपने राजधर्म का पालन करिए। 2024 में लखीमपुर का किसान, मजदूम और बेरोजगार आपसे 10 साल का हिसाब जरूर मांगेगा। आगे बढ़ते हैं। 2024 की लड़ाई में अब कार्टून वार भी शुरू हो चुका है। सभी सियासी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करने से नहीं चूक रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर वार करते हुए एक कार्टून शेयर किया। बीजेपी प्रवक्ता का आरोप है कि आतंकी संगठन हमास के साथ कांग्रेस का समर्थन है। सोशल मीडिया पर ट्विटर पर गौरव भाटिया ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ हमास के साथ है।
इसराइल और हमास में जारी संघर्ष के बीच इसराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए चलाया गया ऑपरेशन अजय जारी है। इस ऑपरेशन के तहत आज दो और विमान इसराइल से भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचे। पहली उड़ान 197 भारतीय नागरिकों और दूसरी उड़ान 274 भारतीय नागरिकों को लेकर सुबह नई दिल्ली पहुंची। विशेष उड़ानें उन भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए 12 अक्टूबर को शुरू किए गए ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जो इसराइल में हमास के हमले के बदले अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। गोरखपुर में अंबेडकर जन मोर्चा के धरने में शामिल होने वाले फ्रांस नागरिक दो को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ फ्रांसीसी नागरिक 10 दिन से गोरखपुर में था और वो झारखंड के धनबाद का बिजनेस वीजा लेकर भारत आया था, लेकिन अलग अलग शहरों में घूमकर इस तरह के आंदोलन में शामिल हो रहा था। उसका ये कहना है कि भारत की वो गरीबी पर शोध कर रहा था। आईबी भी उससे पूछताछ में जुटी हुई है और अब फिलहाल 13 नामजद 15 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में भारत की जीत पर लोग जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने जीत का जश्न मनाने का विरोध किया, जिसे लेकर हंगामा होने लगा। होटल के मालिक पर लोगों को ने धमकी देने का आरोप लगाया। जश्न मना रहे लोगों ने होटल के मालिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ, उस मैच में हिंदुस्तान मैच जीता, तो उसके दौरान हमने जो है आतिशबाजी की। आतिशबाजी के दरमियान एमएनसी होटल का चमन, मोहम्मद चमन आया और मना करने लगा कि यहाँ हम आतिशबाजी नहीं करने देंगे, और पाकिस्तान के नारे उन्होंने लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उन्होंने, और हमको आतिशबाजी करने के लिए मना किया। हमको जान से मारने की धमकी दी गई कि जितने भी दुकानदार हैं सभी को जो है गोली मार दी जाएगी, यहाँ अब कोई नहीं रहेगा। इस तरीके की घटना, क्या नाम है आपका? नितिन गुप्ता नाम है मेरा, लसलगंज की घटना है। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव की कल प्रयागराज में पेशी होनी है। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव बरेली जेल में बंद है। सर्राफा कारोबारी पंकज महिंद्रा के अपहरण कांड में ये गवाही होनी है। बरेली जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच उसे प्रयागराज लाया जाएगा। हालांकि बबलू श्रीवास्तव को पेशी में आने से अपनी जान का डर सता रहा है। बबलू श्रीवास्तव ने बरेली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पेशी कराए जाने की गुहार लगाई है, जिस पर उसकी अर्जी खारिज कर दी। 16 अक्टूबर को बयान के लिए उसे तलब किया गया है। प्रयागराज आने से डॉन को लग रहा डर। बबलू श्रीवास्तव बोला, खतरे में है जान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की लगाई गुहार। डॉन की मर्जी, कोर्ट ने खारिज की अर्जी। कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लिए चुनौती रहे माफिया बबलू श्रीवास्तव को अब अपनी जान का डर सताने लगा है। प्रयागराज के बहुचर्चित सर्राफा पंकज महिंद्रा के अपहरण कांड में गवाही के लिए बरेली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की गुहार लगाई है। हालांकि कोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज करते हुए 16 अक्टूबर को बयान के लिए तलब किया है। बबलू ने अदालत से जेल अधीक्षक और अपने वकील के जरिए कहा था कि इतने लंबे सफर में उसकी जान को खतरा हो सकता है और इसलिए उसकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाई जाए। माफिया के इशारे पर साल 2015 में सर्राफा कारोबारी पंकज महिंद्रा के बहुचर्चित अपहरण कांड का केस गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में चल रहा है। कोर्ट ने प्रयागराज के डीएम, पुलिस आयुक्त और बरेली जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया था कि उसे हर हाल में बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन कुछ कारणों का हवाला देकर जेल के वरिष्ठ अधीक्षक ने माफिया की पेशी को लेकर असमर्थता जाहिर की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी का सुझाव दिया गया, लेकिन कोर्ट ने मामले को खारिज कर दिया।
आपको बता दें, साल 2015 में हुए इस अपहरण कांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल 5 सितंबर 2015 की रात दुकान बंद कर कार से घर जाते वक्त सराफा पंकज महिंद्रा का अपहरण हुआ था। बदमाशों ने उनकी कार संगम स्थित बंधवा में लेटे हनुमान मंदिर के पास छोड़ दी थी। फिरौती के रूप में 10 करोड़ रुपए मांगे थे। बाद में पुलिस ने फतेहपुर जिले में स्थित एक फार्म हाउस में छापा मारा तो व्यापारी बंधे पड़े थे। पुलिस ने मौके से माफिया के भांजे विकल्प श्रीवास्तव समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब इसी मामले में डॉन को डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि माफिया को भी गाड़ी पलटने का डर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।